अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई अब काफ़ी न्यूजीलैंड हो गई और यहाँ सुबह फजर से पहले यहाँ पर एक कुर्बानी के बाड़े की चोरी हुई है एम्बुलेंस बाज़ार के पास। बोलिए अशोक भाई। एम्बुलेंस बाज़ार के पास यहाँ पर कुर्बानी के लिए लाया गया पड़ा जो चोरी हो चुका है सुबह फजर से पहले वक्ता पवित्र का। गुजारिश ये है कि ये जो चोरियाँ कर रहे हैं किस वजह से कर रहे पता नहीं, लेकिन खास करके ये जो वकूफ है कुर्बानी यानी बकरीद का, ऐसे मौकों में पब्लिक को परेशान कर रहे हैं लोग, ये गलत है सरासर। और मेरी गुजारिश ये है कि सारे लोगों से कि ये चीज़ों को रोके, कहीं भी दिखे तो पूछताछ करें लोगों से कि ये लोग खरीद के लेके जा रहे हैं या चुरा के लेके जा रहे हैं। और रही बात पुलिस डिपार्टमेंट की, ऐसे कुछ भी केस आए तो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें, इसके ऊपर जल्द से जल्द जो भी केस आए क्लियर करें, शुक्रिया। अपने जानवर की हिफाजत करें, कल को किसी के साथ नहीं होना। बोलने का मकसद ये है अपने अपने जानवर की तो हर कोई हिफाजत करो। रात में बंदी है तो ये होता है निकल के एक नज़र सुबह तक दो तीनों को देखते रहो, कुर्बानी का जानवर है। बोलने की यही गुजारिश है, कोई अगर अनजान शख्स दिखा, कोई अनजान शख्स अगर दिख रहा तो भाई उससे पूछताछ करो, ठीक है भाई। और किसी को कुछ बोल रहा है भाई? इसमें बहुत चोरियाँ हो रही भाई, आज जानवर मार दिए कल कोई बड़ी चीज़ की भी चोरी हो सकती। ज़रा गोलकुंडा या लंगोरस की ऐसा लगता है, ज़रा इधर सख्ती से पेट्रोलिंग करो भाई, और ज़रा महंगे महंगे चीज़ें रहते हैं चोरी के वारदात बहुत हो रहे इधर। आप लोगों से गुजारिश है ज़रा अपने अपने चीज़ों की भी हिफाजत कर ले। और ये अपने कुसा पियास लगता है भाई, गोलकुंडा पियास से हम गुजारिश कर रहे हैं, हमारा बहुत महंगा जानवर था चले गया। लंगोरस पियास से भी गुजारिश कर रहे सर्चिंग के लिए, ज़रा सर्चिंग करें और हमें जरा करके।